नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल गोस्वामी और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं हमारे एक और नए बेहद ही महत्वपूर्ण और खूबसूरत से एपिसोड में। जैसा कि साथियों आप लगातार देखते आ रहे हैं कि हम आदिवासी जनजातियों पर जो भी उनसे जुड़ी हुई किंवदंती जनश्रुति कहानियां होती हैं, साथ ही साथ उनके जो परंपरा संस्कृति होता है और उसके साथ साथ उनके जो खास व्यंजन होते हैं, उन पर लगातार वीडियोज़ हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने लाते रहते हैं। तो आज इसी श्रृंखला में मैं पहुंच चुका हूं छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग में। बस्तर संभाग का सुकमा जिला है। सुकमा जिले में जिला मुख्यालय से 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कुन्ना नामक एक विलेज। यहां पे हमारे बसंत भाई जी ने निमंत्रण दिया हमें। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने वन भोज किया, जिसमें केकड़ा से लेकर के मछली और तमाम प्रकार की चीज़ों का सेवन किया। तो यहाँ जब से हम आए हैं, मतलब पिछले 7-8 दिनों से बस्तर संभाग में हम घूम रहे हैं, हम और हमारा टीम नॉनवेज खा खा कर एकदम उब गया था। हम लोगों ने हमारे बसंत भाई से रिक्वेस्ट किया कि आज की रात्रि हम आपके यहाँ गुजारेंगे, वो भी वेज खा करके। तो हम इस वक्त बसंत भाई के घर में हैं। ये गोंड जनजाति से, कोया समाज से बिलोंग करते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दादी हैं, उंगी इनका नाम है, उंगी दादी बोलते हैं हम लोग इनको। और यहाँ पे ये मम्मी है। तो ये जो है ना, यहाँ पे दाल को दर रही हैं, मतलब दाल को पीस रही हैं। और आज हमारे लिए ये पिसा हुआ दाल साथ में सेमी और बैंगन और आलू बनने वाला है। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको एक घर बताएंगे जो कि गोंड आदिवासियों का है और किस तरह से जो जनजाति हैं वो वेज शाकाहारी भोजन को भी काफ़ी स्वादिष्ट तरीके से बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस खूबसूरत से एपिसोड को। दोस्तों यहाँ पर आलू और सेमी और ये दाल, भैया हमारे लिए दाल बना रहे हैं। बस इतना ही। इसको दाल कूटना या बोलते हैं कि पीसना बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये दाल पीसना बोलते हैं। दरना इधर रहे, उसमें से डालेंगे, उधर से दाल निकलेगा। थोड़ा सा निकाल दीजिए। एक चीज़ और बता दूं आपको कि अधिकतर जो जनजाति समुदाय होते हैं उनमें एक प्रकार का विवाह काफ़ी ज़्यादा प्रचलन है, जिसको गुरावट विवाह बोला जाता है, जो यहाँ मुझे देखने के लिए मिला। फिलहाल मैं इनसे पूछा नहीं हूँ, इससे पहले कल भी मैं एक बार यहाँ आया था, जो सोढ़ी जी हैं, सोढ़ी जी ने मुझे बताया था, फिर भी मैं हमारे बसंत भाई से कन्फर्म करना चाहूँगा। सोढ़ी जी और यहाँ का रिश्ता क्या है? सोढ़ी जी और यहाँ का, सोढ़ी की मम्मी मेरे पापा के दीदी है। अच्छा, और जो सोढ़ी जी के बहन या कोई यहाँ है? हाँ, हाँ, तो मतलब सोढ़ी के एकदम सगी बहन है। हाँ, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि दो परिवारों का जो विवाह होता है, तो एक परिवार की किसी लड़की को अगर दूसरे परिवार में दिए हैं तो उस परिवार का दायित्व तो बनता है कि कभी ना कभी उनके यहाँ से एक लड़की यहाँ जाएगी। हाँ, इस प्रकार का विवाह होता है ना। तो ये मुझे देखने के लिए कल ही मिल चुका था, बस इनसे कन्फर्म करना चाहता था। इसको बोलते हैं गुड़ा बिचा। गुड़ा विजा हमारे आदिवासी। अच्छा, छत्तीसगढ़ में गुरावट विवाह बोलते हैं इसको। जैसे अभी मेरे बुआ को दिए उनके, अब उनके जैसे सोढ़ी के मानसा सोढ़ी के जितने भी बहन है उनको लाने का कमरा बनता है। अच्छा, हम लोग का बनता है। तो गुरावट विवाह होता है, आदान प्रदान बोल सकते हैं, मतलब हमारी बहन वहाँ जा रही है तो उनकी बहन यहाँ आ सकती है। वो हमारे ऊपर पूरा का पूरा हक रहता है। पहला अधिकार कुछ भी करके लाए। अच्छा अच्छा, हमारा लाने का मतलब हक रहता है, रहता है उन लोग कुछ नहीं। तो ये अद्भुत एक परंपरा देखने के लिए मिला, जिसका जिक्र करना मुझे लगा कि बिल्कुल आप लोगों को बताना चाहिए। और सियान हमें जो है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, छुट्टा नहीं नहीं, ये चोंगी। चोंगी सियान को शायद पता नहीं है कि हम नहीं सेवन करते हैं, तो वो हमें चोंगी दे रहे हैं, तो मैं उनके दिल रखने के लिए इसको रख लिया। बाकी ये हमारा जनजाति आदिवासी समुदाय का जो प्रेम है ना साथियों, आपको जब यहाँ आएंगे तभी आपको महसूस होगा।
बर्तन नहीं उबल रहा। तो जी साथियों, आपको ये पूरा एपिसोड देख करके काफी अच्छा लगा होगा, जिसमें हम लोग पहली बार मेरे ख्याल से हम लोग वेज जो कुकिंग है वो दिखाए हैं ट्रैवल की, ट्रैवल फूड पर हमारे। और आज जो हम लोग पहुंचे हुए थे बसंत भाई के यहाँ, यहाँ पे जैसा आपने शुरू से देखते आए होंगे, सेमी, आलू और यहाँ पे दाल बना हुआ है। तो इसका टेस्ट करके दिखाता हूँ सबसे पहले तो आपको, हालांकि मैं खाना स्टार्ट कर दिया हूँ और लगभग सभी लोग कर दिए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दाल का टेस्ट मैं चावल के साथ बता रहा हूँ आपको। बेहतरीन, मूंग या उड़द का दाल था, कन्फ्यूज हो थोड़ा सा, और सेमी बना हुआ है, आलू बना हुआ है, बहुत ही स्वादिष्ट तरीके से बनाया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे तुमा में, तुमा बोलते हैं, तुम ही बोलते हैं, तुमा में यहाँ सल्फी जो है हमारे सियान पी रहे थे, तो वो बोले कि आप लोग भी थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, तो ये सल्फी लेकर रखे हुए हैं। ये खट्टा है, सल्फी खट्टा है, खट्टा है ना, थोड़ा सा मजा आ रहा है लेकिन। तो यही था आज का हमारा ये खूबसूरत सा एपिसोड, जिसको शायद आपको अगर पसंद आया हो, आप हमारे इस चैनल में नए हैं, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, जिसे अगर आप सब्सक्राइब करना देंगे, साथ साथ बेल और ऑल को प्रेस कर लेंगे, तो इसी प्रकार से जो भी खूबसूरत वीडियोज़ हम बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल में आसानी से पहुँचता रहेगा। चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड हम यही समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तरी जवा।